तब से हमको लगता है कि पार्लियामेंट्री कोई भी दल ऐसे किसी के भी साइड पे नहीं होता। उनको सिर्फ चाहिए होता है सीट, उनको चाहिए होता है पावर, और जहाँ से जिसको पावर मिल जाए वो उसी के साइड पे रहते हैं। तो ये ईडी का खेल जो है वो हमारे एक्चुअल राइट से बहुत परे, लेकिन हमें सुनने के बाद वो कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते जो हमारे फेवर में जाए। वो यही चाहते हैं कि हम नाक कान आँख बंद करके बस उनकी बातें सुने, अपने सर पे गौमूत्र मोल लें और बस वो जो कहते भर दिया जाए कि आपको बचपन से किसका टिफिन खाना है, किससे पानी पीना है, ये आपको क्लास 6-5 से ही बता दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के सामने खड़ा करके बोला जा रहा है, उनके टीचर बोल रहे हैं कि बाकी लोग आके उनको मारे क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर बच्चे से कोई ये सीखता आएगा तो बड़ा होकर उसको कभी ये डेमोक्रेटिक सेंस ही नहीं रहेगा उसमें कि पास में खड़े रहे किसी मुस्लिम इंसान, किसी क्रिश्चियन इंसान या किसी महिला को हम किसी भी तरह से रिस्पेक्ट कर सकें। बचपन से जैसी एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वापस लिया जाए, वो लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर वो लागू हो गया तो उसके हिसाब से एजुकेशन राइट नहीं प्रिविलेज बन जाएगा। और हम यहाँ जो खड़े हैं, हम यहाँ जो जमा हुए हैं, हम ये मानते हैं कि एजुकेशन राइट रहना चाहिए, कोई प्रिविलेज नहीं है। जिनके पास पैसा है सिर्फ वही पढ़ेंगे, ऐसा अगर नियम लागू हो गया इस कंट्री में तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। राजनीति तो किसी की बाप की जगीर नहीं है कि वो बोल देंगे कि राजनीति मत करिए और हम नहीं करेंगे। अगर हमारे पढ़ाई का प्रश्न आएगा, अगर वो हमारे आंदोलन में घुस के ये कहेंगे कि आपको क्या पढ़ाई करना है, कितना पढ़ाई करना है, वो हम आपको बोल देंगे, तो फिर हमको राजनीति करके भाई उनकी पॉलिसी को बदलवानी पड़ेगी। तो इसी वजह से हम यहाँ सरकार से ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं आशा करते हैं। हमको जो लग रहा है कि हमको लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार हमारे बारे में सोचती तो फिर डिफेंस से ज़्यादा भाई एजुकेशन पे बजट रहता। हमारे यहाँ पे तो 6% बजट रहना चाहिए सर्वे के हिसाब से और रहता है 3.9 to 4.2, तो हम कैसे सरकार पे विश्वास कर ले। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से अगर कुछ मांगना है तो फिर अपील ही करना पड़ेगा सरकार को, जाके तो बोल नहीं सकते कि भाई साहब सबको पढ़ने दीजिए, आपके बाप की जागीर है नहीं और जिनके पास लाख रुपए नहीं है वो पढ़ेंगे नहीं, ऐसा तो आप बोल नहीं सकते। पर इनका तो यही दावा है, इसलिए हम यहाँ खड़े हैं कि बोलने के लिए कि एनईपी लागू नहीं कर सकते। वो तो देखिए उनका मामला है, यहाँ हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हमको लगता है कि पार्लियामेंट्री कोई भी दल ऐसे किसी के भी साइड पे नहीं होता। उनको सिर्फ चाहिए होता है सीट, उनको चाहिए होता है पावर, और जहाँ से जिसको पावर मिल जाए वो उसी के साइड पे रहते हैं। तो ये ईडी का खेल जो है वो हमारे एक्चुअल राइट से बहुत परे है। ये मोदी जी हमें सुन तो पाते हैं, लेकिन हमें सुनने के बाद वो कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेते जो हमारे फेवर में जाए। वो यही चाहते हैं कि हम नाक कान आँख बंद करके बस उनकी बातें सुने, अपने सर पे गौमूत्र मोल लें और बस वो जो कहते रहे वही करते रहे। सरकार कर रही है कि बच्चों के जो दिमाग में यही भर दिया जाए कि आपको बचपन से किसका टिफिन खाना है, किससे पानी पीना है, ये आपको क्लास 6-5 से ही बता दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि एक मुस्लिम बच्चे को क्लास के सामने खड़ा करके बोला जा रहा है, उनके टीचर बोल रहे हैं कि बाकी लोग आके उनको मारे क्योंकि वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। अगर बच्चे से कोई ये सीखता आएगा तो बड़ा होकर उसको कभी ये डेमोक्रेटिक सेंस ही नहीं रहेगा उसमें कि पास में खड़े रहे किसी मुस्लिम इंसान, किसी क्रिश्चियन इंसान या किसी महिला को हम किसी भी तरह से रिस्पेक्ट कर सकें। बचपन से जैसी सीख हमको मिलेगी हम बड़े होकर वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि बचपन से ही एजुकेशन पॉलिसी में ही ऐसा कुछ घुसा दिया जाए जिससे बड़े होकर लोग और ज़्यादा कर सेवकों के टीम में ही रहें। वो तो बीजेपी भी बांट रही है, हर टाइम जब भी इलेक्शन सामने आता है उनका पाकिस्तान का मुद्दा आ जाता है। देखिए बांट तो सारे पार्लियामेंट्री पार्टी रहे हैं, जैसा हमने पहले कहा कि उनको सिर्फ पावर चाहिए और सीट चाहिए, उसके लिए जब जिसको जहां बांटना है। सीपीआई भी तो इंडिया की गठबंधन में है। हाँ जी, तो पार्लियामेंट्री पार्टी में वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सीपीआईएम के फेवर में बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री पार्टी मतलब जिन्होंने भी पार्लियामेंट में अपना नाम लिखवाया है सबके बारे में ही बात कर रहे हैं। उनको जब जहाँ जिसको बंटवाना है वो बंटवाएंगे क्योंकि उनको वो सीट का मैट्रिक्स सही चाहिए। तो कांग्रेस जैसा है, बीजेपी भी वैसी है। कांग्रेस ज़रा सूट बूट वाला हिंदुत्व फैलाने वाला इंसान है, बीजेपी थोड़ा मुँह के ऊपर आके बोलता है, बस यही बात।
देश के सारे व्यक्ति अमीर हो रहे हैं तो फिर सोच सकते हैं कि देश का विकास हो रहा है कि नहीं, लेकिन 1-2% अमीर हो रहे हैं तो फिर किसी ना किसी का शोषण करके तो वो अमीर हो रहा है। अगर किसी के बेटे की शादी में 700 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं और उसी देश में रहने वाले एक घर में एक महीने में 2 बार उनको चावल मिलेगा कि नहीं ये भी उनको पता नहीं होता, तो फिर ये डिफरेंस किसी देश में रहेगा तो फिर सोच नहीं सकते कि देश का उन्नति सही जगह जा रहा है। जर्नलिज्म तो हमेशा से ही सही रास्ता दिखाता आ रहा है, इस वजह से मीडिया हमेशा क्वेश्चन करना चाहती है। पावर में कोई भी हो, मीडिया का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जनता के पक्ष में रहकर क्वेश्चंस किया जाए। किसी भी सरकार का चाटना उनका तो भाई पेशा नहीं होता। क्या लग रहा है जिस मीडिया की बात कर रहे हैं आप, वो मीडिया आपने ठीक से काम कर रही है? क्योंकि आप मेन हिस्ट्री की मीडिया की बात करते हैं लेकिन सरकार तो यूट्यूबरों को उठाया जा रहा है। हाँ जी, सरकार तो यूट्यूबर को टारगेट कर करके उठाया जा रहा है लेकिन मेन हिस्ट्री मीडिया को तो टच नहीं किया है। देखिए, जो मोदी जी को बुला के उनकी प्रशंसा करेंगे उनको वो टच नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेशनल मीडिया ही सबसे ज़्यादा घरों में चलता है। तो अगर नेशनल मीडिया ये घरों में प्रचार कर दे कि मोदी जी भगवान का स्वरूप है, जैसा हमने सुना है कुछ दिन पहले जिनको अरेस्ट किया था उन्होंने भी ये कहा है ना, तो हमको लग रहा है कि अगर घर घर से ये वार्ता आती है तभी मोदी जी को शांति मिलती है। वरना जो मीडिया आके ये बोलता है कि मोदी जी बजट में यहाँ क्यों कट हो गया है, मोदी जी ये जो आरक्षण बिल लाए हैं विमेन के लिए उसमें माइनॉरिटी कहाँ है, माइनॉरिटी का रिजर्वेशन क्यों आपने कम कर दिया, ये प्रश्न मोदी जी नहीं बोलना चाहते। तो मुश्किल ये है कि चुन चुन के वो प्रश्न ले रहे हैं, जिन प्रश्नों में ये बताया जा रहा है कि मोदी जी इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, वही प्रश्न वो उत्तर देंगे, बाकी नहीं देंगे। ऐसा जर्नलिज्म तो नहीं हो सकता। क्या लगता है इस यूट्यूबर सब को उठाने से सरकार को क्या फायदा हो रहा है, क्या मिल रहा है? वो एक डर क्रिएट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम सबसे अच्छे हैं, अगर आपको बुरे लगते हैं तो आपको चुप रहना है और हम आपके राजा हैं। जैसे राजा प्रजा के ऊपर शोषण करते थे और ये बोलते थे कि अगर तुमको हमारे बीच में रहना है, तुमको खाना है, तुमको जिंदा रहना है तो हमारी बात सुन के चलना पड़ेगा, मोदी जी भी वही राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की डेमोक्रेसी तो ऐसा नहीं कह रही है। देखिए, भारत में डेमोक्रेसी नाम का ही है। नंबर वन डेमोक्रेसी में हर रोज हत्याएं हो रही है, हर रोज रेप हो रही है, हर रोज उठाया जा रहा है लोगों को। ठीक है, इतना डेमोक्रेटिक कंट्री अगर हमको मानना है कि भारत है तो फिर भाई इससे खराब डेमोक्रेसी तो कहीं हो नहीं सकती। अगर छात्रों को अपना पढ़ाई छोड़कर यहाँ आकर खड़े होना पड़ रहा है, हर बार ऑलमोस्ट 1 या 2 साल में महिलाओं को रास्ते पे उतर के बोलना पड़ रहा है कि भाई बहुत रेप हो रहा है, बंद करवाओ, और अभी कामधुनी का केस का भी आया है, वहाँ भी छोड़ दिया गया है 2 लोगों को। हर रोज हम ये डर में रहते हैं कि कब किसको छोड़ दिया जाएगा और रास्ते में हमको और भी ज़्यादा डर न लगे। तो उनके लॉन में घूमती हैं, क्योंकि मैं तो रात को 12 बजे एवे ही नहीं घूम सकती, कहने तो बात दीजिए। मेरे अपने शहर कलकत्ता में भी इतनी नहीं है, दिल्ली में तो मैं इतनी रहती नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना नहीं है किसी भी अपने महिला दोस्तों से कि वो रात को 12 बजे आराम से घूम रही है और उनको डर नहीं लग रहा है। तो फिर ऐसा लगता है कि या तो वो महिलाएं से बात नहीं करते, या फिर जैसे GST लाए थे सैनिटरी पैड पे, तब उस कमेटी में कोई महिला नहीं थी, इसी तरह से वो किसी ऐसे सर्वे कमेटी से बात करते हैं जिसमें कोई महिला है होती नहीं है। अभी का माहौल हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम पार्लियामेंट की कोई भी राजनीति में ऐसे पार्टिसिपेट नहीं करते, तो हमको लगता है कि पार्लियामेंट लेकिन जनता के बीच में तो रहते हैं ना, आभास तो पता चलता होगा ना किसकी सरकार आने वाली है। देखिए, मोदी सरकार तो कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, वो तो इंडिया वाली सरकार भी कहेगी, इंडिया वाली जोट वाली जो सरकार है, सबको यही चाहिए कि अपना कैंपेन सही से हो, लेकिन बात ये है कि जिसको कॉरपोरेट सबसे ज़्यादा पैसा देगा वही जीतेगा। ये आप किसी भी सर्वे में देख लीजिए, हर बार इलेक्शन में यही हुआ है कि जिसको कॉरपोरेट ने स्पॉन्सर किया है वही जीता है। तो बात असल में मोदी जीतेगा या इंडिया जोट जीतेगी इसमें नहीं है, अंबानी या अदानी जिसको जिताना चाहेंगे वही जीतेंगे। अच्छा, इंडिया को कैसे देख रहे हैं आप? इंडिया को कैसे देख रहे हैं, कैसे बोलेंगे, एक डकैत हैं, एक चोर हैं, इस तरह से अगर हम सोच सके। लेकिन इंडिया जोट में जो लोग आए हैं उनको लग रहा है कि मोदी के अगेंस्ट में वो एक साथ काम कर सकते हैं, पर जब भी अगर वो जीत जाएंगे या अलग अलग स्टेट में आप देख ले तो वो एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। हमारे ही
कलकत्ता में सीपीएम और तृणमूल एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते, पर यहाँ जोट में एक साथ है। तो मैं वो लोकसभा में जो भी हो, बात यह है कि पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्लेम करते हैं कि उनकी एक आइडियोलॉजी है, तो वो बोल रहे हैं कि मोदी के अगेंस्ट में ये खड़े हो जाएंगे। लेकिन हमने तो देखा है कि पार्लियामेंट में जो भी जीतता है कभी भी हमारी बातें नहीं होती हैं, उनकी ही बातें उनकी ही तरह से लागू होती है। तीसरा ऑप्शन लाना होगा आपको।